जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि बीएड करने के क्या क्या फायदे हैं। तो बीएड करने के बाद आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, आप किस क्लास तक टीचर बन सकते हैं, टीचिंग के अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं बीएड करने के बाद में, तो एक एक पॉइंट में आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि बीएड के क्या क्या फायदे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और साथ के साथ मैं आपको एक चीज और आपको क्लियर करने वाला हूं। वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होने वाली है कि यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि बीएड करने का सही तरीका क्या है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, यदि हम बीएड की बात करें तो बीएड की फुल फॉर्म लगभग सभी को पता होगा, बैचलर इन एजुकेशन, जो कि हमारा 2 साल का डिग्री प्रोग्राम है। क्योंकि किसके अंतर्गत आता है हमारा, यूजी के अंतर्गत ही आता है, पीजी में ये नहीं आता है। होता हमारा ग्रेजुएशन के बाद में है, लेकिन हमारा ये पीजी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि आप इसमें अंडर ग्रेजुएट ही रहते हैं। क्लियर है आपको। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि बीएड करने के बाद में आप क्या क्या बन सकते हैं। तो साथियों, जो बीएड करने के बाद में हम बनते हैं तो हम टीचर बनते हैं। अब टीचर के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको 2 एग्जाम देने होते हैं, यानी कि आप जैसे यदि सेंट्रल के एग्जाम दे सकते हैं, सेंट्रल बोले तो जो हमारा पूरा भारत है, भारतवर्ष के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है सीटेट, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि हर साल कराया जाता है, साल में 2 बार कराया जाता था। और दूसरा है आपका स्टेट के एग्जाम, यानी कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कराए जाते हैं टीचिंग के लिए। जैसे आपका हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपका होता है यूपी टेट, यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में यूटेट, और यदि हम राजस्थान की बात करें तो रीट। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। अब ये जो एग्जाम होते हैं किस लिए होते हैं इसकी बात करते हैं। तो साथियों, जो हमारा सीटेट का एग्जाम होता है, सीटेट का एग्जाम होता है हमारा पूरा सेंट्रल, यानी कि पूरे भारतवर्ष के लिए। अब उसमें यदि आप उस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो एग्जाम क्लियर करने का मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल गई, एग्जाम क्लियर करने का मतलब ये है कि आप एलिजिबल हो गए हैं किसके लिए, टीचर बनने के लिए। जब भारतवर्ष में जो हमारे राजकीय विश्वविद्यालय हैं, जो हमारे राजकीय इंटर कॉलेज हैं, उनमें जब वैकेंसी निकलती है तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने सीटेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ हो। और सीटेट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर्म फिल करने का, वो क्या है कि भाई आपने बीएड की हुई हो। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा, अब हमारे जो स्टेट के जो हमारे एग्जाम होते हैं, जैसे हमारा यूपी टेट मैंने बताया, आपका यू टेट बताया, रीट बताया, तो उनके लिए भी आपने क्या किया हुआ भाई, बीएड किया हुआ हो या आपने डीएलएड किया हुआ हो। तो अब बीएड किया हुआ है तो उन एग्जाम को भी आपने यदि क्लियर किया हुआ है तो उसके बाद में आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में आपका सुपर टेट का एग्जाम होता है। अलग अलग स्टेट में फिर अलग अलग प्रक्रिया है। उसके बाद में भी आपका यही है कंडीशन कि आपने टेट का यदि एग्जाम क्लियर कर लिया है तो ऐसा नहीं है कि आप टीचर बन गए हैं। इसका मतलब यह है कि आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। आप जब भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो उसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है टीचर की, तो उसमें आप फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो आपका टीजीटी आपका टेट का पेपर है वो क्लियर हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसमें एक बच्चों का कंफ्यूजन है कि बीएड में हम किस क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि आपने बीएड किया है और बीएड करने के बाद में आप जो है फर्स्ट क्लास से लेकर और 10th क्लास तक टीचर बन सकते हैं, तो यानी कि फर्स्ट से लेकर आप 10th क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आपको बात करते हैं कि भाई ये तो हो गया हमारा टीचिंग के लिए, यानी कि आपने यदि आपने बीएड कंप्लीट किया है तो आप टीचिंग की तरफ जा सकते हैं। दूसरा है, यदि आप अपना स्कूल चलाना चाहते हैं तो बीएड करने के बाद में आप अपना स्कूल भी चला सकते हैं, यानी कि आप अपना स्कूल भी रन कर सकते हैं। आप अपना सीबीएसई बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, अपने स्टेट का जो आप अपना स्कूल चला सकते हैं। साथ के साथ जब आप बीएड कर लेते हैं तो बीएड करने के बाद अपनी आप हायर डिग्री कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, एमएड कर सकते हैं। एमएड करने के बाद में आप जब एमएड कर लेते हैं तो एमएड करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं, आप जो है बीएड को पढ़ा सकते हैं। और एमएड करने के बाद में आप अपना पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो एमएड है आपका वो क्या है, पीजी कोर्स है। और एमएड के बाद आप डायरेक्ट अब क्या कर सकते हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि रिसर्च के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं एमएड के बाद में। तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप यदि टीचिंग में जाना चाहते हैं, हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, यानी कि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, एमएड करके पीएचडी में अपना एनरोल करा सकते हैं।
इससे आगे नेक्स्ट आपका बेनिफिट है यदि आप एजुकेशन फील्ड में हैं, यानी कि आप एज एजुकेशन कंसल्टेंट हैं या फिर आप एजुकेशन काउंसलर हैं, तो उसमें भी आप बीएड होना चाहिए, यानी कि बीएड आप यदि किए हुए हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है कि यदि आप बीएड कर लेते हैं तो बीएड करने के बाद आप एज अ कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं, यानी कि आप एज अ कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है यदि आप बीएड कंप्लीट अपना कर लेते हैं, बीएड करने के बाद में यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती है तो ये जो आपके प्राइवेट सेक्टर के स्कूल है, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड के हैं, चाहे वो आपका आईसीएसई बोर्ड के हैं या फिर यूपी बोर्ड के हैं, तो उसमें भी आप टीचिंग के लिए कम से कम आप मिनिमम बीएड होना चाहिए, यानी कि आपने कम से कम बीएड किया हुआ हो तो उन्हीं को अब आपका रखा जाता है। तो यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लग पाती है तो आप एज अ प्राइवेट टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं। बीएड करने के बाद आप अपना जो प्ले स्कूल, अपना एजुकेशन सेंटर, आप इस तरीके से भी अपना सेंटर खोल सकते हैं। आप अपना प्ले स्कूल चला सकते हैं, आप एजुकेशन सेंटर खोल सकते हैं, तो ये भी आपके पास कैरियर ऑप्शंस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि बीएड करने का सही तरीका क्या है, जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथियों, जैसे आप ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करके आते हैं, अब मैंने आपको बताया कि जो बीएड है, बीएड आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम नहीं है, ये कैसा है आपका भाई, अंडर ग्रेजुएट में ही आता है। अब आप यदि बीएड कर लेते हैं तो बीएड करने के बाद में भी फिर आप तब भी पीजी अपना नहीं मानते, यानी कि आप तब भी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होते हैं। तो साथियों याद रखिएगा, जब भी आपके पीजीटी के फॉर्म आते हैं, टीजीटी के तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन पीजीटी के आप तभी फॉर्म फिल कर सकते हैं जब आपने बीएड के साथ में अपना पीजी कंप्लीट किया हुआ हो, यानी कि आपने पीजी भी किया हुआ हो और साथ में बीएड भी किया हुआ हो, या फिर आपने अपना पीजी कंप्लीट किया हुआ हो, आपका बीएड भी ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी हो कि बीएड भी आपने किया हुआ हो, तो उस केस में आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यदि आप बीएड करते हैं, यानी कि आप अपना बीएड के लिए अप्लाई करते हैं, तो साथ के साथ आप अपना पीजी कोर्स भी अप्लाई करें, यानी कि जैसे आपने बीए किया है तो बीए के बाद में आप अपना बीएड में आपने एनरोल करा दिया, तो बीएड क्या है भी, आपका रेगुलर कोर्स है, रेगुलर आपका डिग्री कोर्स है। अब उसके साथ साथ आप अपना क्या कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं डिस्टेंस से, प्राइवेट मोड से, ओपन मोड से, तो आप कर सकते हैं। आपकी जो दोनों डिग्री होंगी वो पूरी तरीके से वैलिड होंगी, पूरी तरीके से आपकी मान्य होगी। तो होगा क्या, आपका एक ही टाइम पे आपकी दोनों डिग्री कंप्लीट हो जाएंगी, आप यानी कि मास्टर भी हो जाएंगे, यानी कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी और आपके साथ के साथ में बीएड भी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको डबल बेनिफिट होगा। यदि आपके कहीं पर भी पीजीटी के फॉर्म भी आते हैं तो फिर आप वो भी अपने फिल कर सकते हैं। यदि आपको यूजीसी नेट का एग्जाम फॉर्म फिल करना है तो वो भी आप अपना फिल कर सकते हैं, किसके बिहाफ पर, भाई आपने जो पीजी किया है उसके बिहाफ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, बीएड करने का बिल्कुल सही तरीका यही है कि आप बीएड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ आप अपना पीजी कोर्स भी अप्लाई जरूर कीजिए, यानी कि यदि आप बीए किया है तो आपने आप एमए के लिए अप्लाई कीजिए, यदि आपने बीकॉम किया है तो आप एमकॉम के लिए साथ के साथ अपना एनरोल कर सकते हैं, प्राइवेट से, डिस्टेंस मोड से या फिर ओपन मोड से, तो ये आप अपना जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है बीएड को लेकर, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या फिर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कितने संतुष्ट हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।